पेज नंबर 138 पे चैप्टर है इस्लामी अखुवत। हम ये चैप्टर रीड कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने ये पढ़ा था। हमारी थोड़ी सी रीडिंग रह गई थी, पहले हम रीडिंग को कंप्लीट करेंगे, देन हम इसके एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, फिर हमारा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मारिज आप करेंगे रीडिंग? मारिज अपना माइक अनम्यूट करें, रीडिंग स्टार्ट करें। मैं रीडिंग करती हूँ। हमने यहाँ से पढ़ना था इस्लामी अखुवत के इलामात। इस्लामी अखुवत एक ऐसा मुकद्दस रिश्ता है जो सारी दुनिया के मुसलमानों में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है जिसकी वजह से हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का ख्याल और एहसास हकीकी भाई से भी भर कर करता है। यानी जब अगर हमारे दरमियान में, हमने पढ़ा था अखुवत क्या है, अकुवत ये है कि अगर एक शख्स को तकलीफ महसूस होती है, जैसे हमारे जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होती है, तो हम उसकी वजह से कोई भी काम, जैसे हमारे सर में दर्द हो रहा होता है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे सर में बहुत ज्यादा पेन हो रही होती है और हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे मतलब हमारी बॉडी भी काम नहीं कर रही। इसी तरह से अगर हम मुसलमानों के दरमियान अकुवत की मिसाल देना चाहें तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे अगर किसी एक मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो सारी उम्मत, उसके सारे मुसलमान भाई, सिर्फ उन्हीं भाई नहीं बल्कि जो दीनी भाई हैं वो भी तकलीफ महसूस करते हैं और उसका साथ देने की कोशिश करते हैं, उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हैं। और तमाम मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की तरह है, जिस तरह जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो दूसरा हिस्सा भी तकलीफ महसूस करता है, बिल्कुल इसी तरह अगर एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरा मुसलमान भी तकलीफ महसूस करता है और अपना भाई होने का हक अदा करता है, उसकी परेशानी को, उसकी तकलीफ को, उसकी जरूरत को पूरा करता है और उसकी तकलीफ परेशानी दूर करता है, उसको मुसीबत से निजात दिलाता है। हर साल हज के मौके पर सारी दुनिया से मुसलमान जमा होकर एक साथ हज करते हैं जिसमें काले, गोरे, अमीर, गरीब और तमाम कौमियत के लोग एक जैसे लिबास में एक जिस्म की तरह नजर आते हैं। अब इस्लामी कुव्वत की सबसे बड़ी मिसाल हमें कहाँ में मिलती है, हज के मौके पे मिलती है। कैसे मिलती है हज के मौके पे, क्योंकि हज के मौके पे किसी एक मुल्क के, एक शहर के लोग ही आए होते हैं बल्कि मुख्तलिफ शहरों से लोग आए होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए होते हैं, एक दुनिया के किसी कोने से आया होता है, एक दुनिया के किसी कोने से आया होता है और वो एक जैसे भी नहीं होते हैं, मतलब उनके कलर्स में इतना डिफरेंस होता है, उनकी जुबान में डिफरेंस होता है, उनके चलने फिरने में, खाने में, मतलब उनकी पूरी जो तहजीब है, पूरी जो उनकी
जिंदगी है वो एक दूसरे से टोटली चेंज होती है, उनका रंग एक दूसरे से फर्क है, उनकी जुबान एक दूसरे से फर्क है। जैसे अगर कोई पाकिस्तान का कोई सऊदी अरब का है, सऊदी अरब के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में कितना फर्क है, वो लेकिन वो हज के मौके पे बिल्कुल एक दूसरे के साथ इस तरह से होते हैं जैसे हज के मौके पे सब एक जैसे लग रहे होते हैं। क्यों लग रहे होते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला उस टाइम सबको एक ही मैदान में ला के खड़ा कर देते हैं, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे किसी का कलर ब्लैक है या किसी का कलर फेयर है, तमाम लोगों का एक ही लिबास होता है और उन्होंने एक जैसे काम करने होते हैं। हर मस्जिद में मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले, मुख्तलिफ खानदानों, मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं जिससे आपस में मोहब्बत और भाईचारगी बढ़ती है। मोहब्बत आपस में कैसे बढ़ती है? ऐसे बढ़ती है, अगर हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए तो हम वहां पर देखते हैं कि मुख्तलिफ खानदानों के लोग आए हुए हैं, मुख्तलिफ कबीलों के लोग आए हुए हैं, मतलब हर पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से मुख्तलिफ है और उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में फूट ना डालो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का क्या मतलब है पता है आपको? मतलब अल्लाह के दीन पर सख्ती से अमल करो और आपस में ऐसी बातों से बचो जो जिनकी वजह से ना इत्तफाकी पैदा होती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि सारी दुनिया के मुसलमान अगर आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक से रहना चाहें तो अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि वो मिलजुल कर रहेंगे और हर उस चीज से बचेंगे जिसकी वजह से आपस में लड़ाई हो सकती है, और इससे उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मार्क करेंगे। सबसे पहला सवाल है, दूसरे नबियों और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या फर्क है? पेज नंबर 138 पे आए, पेज नंबर 138 फर्स्ट पैसेज कंप्लीट इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 का। फर्स्ट पैसेज क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहाजरीन और इंसार के दरमियान क्या रिश्ता कायम हुआ? पेज नंबर 139, पेज नंबर 139 का फर्स्ट पैसेज क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, पेज नंबर 138 का फर्स्ट पैसेज क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है और पेज नंबर 139 का फर्स्ट पैसेज क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ जो अच्छा सलूक करना चाहिए उनमें से 3 लिखें। पेज नंबर 140 पे सेकंड स्टार से एक हदीस स्टार्ट हो रही है, उस हदीस की 4th लाइन पे आए, 4th लाइन से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, जो कोई अपने जरूरतमंद भाई की हाजत पूरी करेगा अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करेगा, और जो कोई मुसलमान को तकलीफ और मुसीबत से निजात दिलाएगा अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन किसी मुसीबत और परेशानी से निजात अता फरमाएगा, और जो किसी मुसलमान की पर्दादरी करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दादरी करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है। नेक्स्ट है, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियां किस तरह मिल सकती हैं?
हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियां किस तरह मिल सकती हैं? पेज नंबर 144 का लास्ट पैसेज। सारी दुनिया के मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक से रहना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबियां हमारे कदम चूमे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो रहा है। मैं एक दफा रिपीट कर रही हूँ, इनको टैली कर लें। पेज नंबर 138 का फर्स्ट पैसेज क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है। पेज नंबर 139 पे फर्स्ट पैसेज क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है। पेज नंबर 140 पे पेज नंबर 140 पे पेज नंबर 140 पे जहां पे हदीस लिखी हुई है सेकंड स्टार, वहां से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। जो कोई अपने जरूरतमंद भाई की हाजत पूरी करेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करेगा। सेकंड स्टार की फोर्थ लाइन से, और जहां पे ये पैसेज एंड हो रहा है वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड हो रहा है। आगे है, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियां किस तरह मिल सकती हैं? पेज नंबर 141 का लास्ट पैसेज क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है। आगे अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर लिख लें LQ लॉन्ग क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल जाए। और जो क्वेश्चन आंसर्स जिनके हमने निशान लगाए हैं उनके साथ भी लिख लें LQ। सबके साथ आपने LQ लिखना है ताकि आपको पता चल जाए कि लॉन्ग क्वेश्चन है। जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहां पे भी, और जहां क्वेश्चन एंड हो रहा है वहां पे भी। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर लिखे हैं SQ शॉर्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, इस्लामी अखुवत के रिश्ते का क्या फायदा है? पेज नंबर 139 की फर्स्ट लाइन क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है।
पेज नंबर 139 की फर्स्ट लाइन, इस्लामी अखुवत का रिश्ता एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का इस्लामी भाई बना देता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1SQ। दूसरा सवाल है, किसी भी रंग और नस्ल वाला इस्लामी बिरादरी का फर्द कैसे बन सकता है? पेज नंबर 138, सेकंड पैसेज। पेज नंबर 138 का सेकंड पैसेज है, अब दुनिया का कोई भी इंसान अब को काटते, दुनिया से स्टार्ट हो रहा है, दुनिया का कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, कौम या जुबान का हो, कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होता है तो वो उम्मत मुस्लिमा का एक फर्द बन जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। थर्ड है, जो किसी मुसलमान को तकलीफ और मुसीबत से निजात दिलाएगा उसे क्या फायदा होगा? पेज नंबर 140 पे आए हैं। पेज नंबर 140, इस्लामी अखुवत की इलामात, ये हेडिंग दी हुई है, इसके ऊपर वाली थर्ड लाइन, इस्लामी अखुवत की इलामात से ऊपर वाली थर्ड लाइन, जो कोई मुसलमान को तकलीफ और मुसीबत से निजात दिलाएगा अल्लाह ताला उसको कयामत के आगे है, सबक में से तलाश करके ऐसे 10 जुमले लिखें जिससे पता चले कि एक मुसलमान का को दूसरे मुसलमान का ख्याल रखना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग है, ये हम कल करेंगे। आज का आपका ये होमवर्क है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी नोटबुक्स पे करने हैं, कॉपीज पे करने हैं, नीट हैंडराइटिंग में। उसके बाद हम ये वाला सवाल करेंगे। अब हम बुक वर्क कम्प्लीट करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है, ऐसे 10 मुल्कों का नाम लिखें जहां मुसलमानों की अक्सरियत है। अब इसकी दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि मैं आपको जो लिखवाऊंगी आप वो लिख लें, दूसरा ऑप्शन ये है, पेज नंबर 139 पे एक मैप दिया हुआ है, आप उस मैप को देखें और फिर उसको देख के आपको जो जो नाम आसान लगे आप वो लिख लें। वैसे मैं भी आपको आसान ही लिखवाऊंगी। इंडोनेशिया लिखा हुआ है, आप लिखें दूसरे मुसलमान मुल्क का नाम लिखें, पाकिस्तान, पाकिस्तान, यमन,
ये मीम नून। पाकिस्तान, यमन, ईरान, ईरान, इराक, पाकिस्तान, यमन, ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, इराक, यमन, तुर्की, शाम, तुर्की, शाम, मिस्र, तुर्की, शाम, मिस्र, सूडान, लीबिया, मैं एक दफा रिपीट कर रही हूँ। पाकिस्तान, यमन, ईरान, इराक, तुर्की, शाम, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब, सूडान। सूडान और लीबिया में से जो मुश्किल लग रहा है उसको स्किप कर दे, उसी जगह सऊदी अरब लिख लें। ठीक आगे पेज नंबर 143 पे आए। पाकिस्तान, पेज नंबर 143 पे पहला सवाल दिया हुआ है, पांचों नमाजों के अलावा मुसलमान किन नमाजों और इबादत के मौके पर जमा होते हैं? खाली खानों में उनके नाम लिखे। ये आपने सोच के फिर सोचने पड़ते हैं और इकट्ठे पढ़ते हैं। आगे है, खाली जगह पूर करें। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारी डैश डैश पे लिखो, लिखे कोमो, सारी कोमो,
अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी कौमों और कयामत तक आने वाले आखिरी डैश डैश में लिखना है इंसान के लिए नबी बना कर भेजा। सारी कौमों और कयामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए नबी बना कर भेजा। पूरी मिल्लत इस्लामिया को हर डैश डैश में लिखना मुसलमान हर मुसलमान फर्द की तकलीफ महसूस करनी चाहिए और एक मुसलमान के दुख दर्द में तमाम मुसलमानों को शरीक होना चाहिए। एक मुसलमान के डैश डैश में लिखें दुख दर्द पूरी मिल्लत इस्लामिया को हर मुसलमान फर्द की तकलीफ महसूस करनी चाहिए और एक मुसलमान के दुख दर्द में तमाम मुसलमानों को शरीक होना चाहिए। आगे कोई बंदा उस वक्त तक सच्चा जब तक के वो अपने मुसलमान भाई के लिए वही ना जब तक के वो अब मैं रिपीट कर रही हूँ टैली कर लें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी कौमों और कयामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए नबी बना कर भेजा। पूरी मिल्लत इस्लामिया को हर मुसलमान फर्द की तकलीफ महसूस करनी चाहिए और एक मुसलमान के दुख दर्द में तमाम मुसलमानों को शरीक होना चाहिए। कोई बंदा उस वक्त तक सच्चा मोमिन नहीं हो सकता जब तक के वो अपने मुसलमान भाई के लिए वही ना चाहे जो अपने लिए चाहता है।